इट इज द टाइम टू गेट एक्साइटेड, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे अमेजिंग न्यू सीक्रेट एंड्रॉइड एप्स बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करके ना तुम्हें बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। और ये एप्स इतने यूजफुल है ना कि एक बार इंस्टॉल करने के बाद तुम इन्हें कभी दोबारा अनइंस्टॉल नहीं करोगे। इन सारे एप्स में ना इतने एडवांस फंक्शनलिटीज हैं जो कि आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे, ट्रस्ट मी। बस शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, एंड आई प्रॉमिस कि आपको प्रो एंड्रॉइड यूजर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो हे द एंड्रॉइड यूजर्स, माय नेम इज किंकर, यू गाइस आर वॉचिंग टिप टॉप टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स चेक आउट दीज अमेजिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। स्क्रीनशॉट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर रखनी होती है, हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बट स्क्रीनशॉट की एक मेजर प्रॉब्लम है कि हम उसमें से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड सिर्फ स्क्रीनशॉट ही नहीं, बल्कि काफ़ी सारी एप्स एंड इमेजेस से भी आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे में हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो है उस इमेज से इन्फॉर्मेशन को टाइप करना। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी कई सालों से यही पेनफुल काम करता आ रहा था, अंटिल आई फाउंड यूनिवर्सल कॉपी। इट इज़ अ सिंपल, स्मॉल बट वेरी यूजफुल ऐप, जिससे आप किसी भी ऐप या फिर इमेज से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। किसी ऐप या इमेज में जहाँ पे आपको टेक्स्ट कॉपी करना है, वहाँ बस यूनिवर्सल कॉपी मोड को एक्टिव कर दो, एंड नाउ यू कैन सिलेक्ट एंड कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम एनी स्क्रीन एंड पेस्ट इट एनी वे यू वॉन्ट। इसमें एक स्कैनर मोड भी है, जिससे ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा, एंड आप किसी भी डॉक्यूमेंट, ऐप या फिर पिक्चर से वन टैप में टेक्स्ट को कॉपी कर पाओगे। नाउ ये जो नेक्स्ट ट्रिक है, ये बहुत भयंकर है, बट मैं तुम्हें ये सिर्फ एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ये बताना जरूरी भी है, क्योंकि हो सकता है शायद आप भी इस चीज़ से परेशान हो। तो देखो, कॉल एंड एसएमएस बॉम्बिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखा है। एक ऐप बताई थी मैंने, जिसमें कोई भी टारगेट नंबर एंटर करने से वो ऐप उस नंबर पर रैपिडली एक के बाद एक कंटिन्यूस एसएमएस भेजते जाता है, और ये एसएमएस किसी भी ब्रांड या वेबसाइट के ओटीपी वाले एसएमएस हुआ करते थे। अब देखो, एसएमएस बॉम्बिंग तो ईजी है, पर कॉल बॉम्बिंग आपको किसी भी ऐप में ईजिली देखने को नहीं मिलेगी, जो कि पूरी तरह से अनलिमिटेड एंड रिस्पॉन्सिव हो। तो एक वेबसाइट है callbombers.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको बस एक नंबर एंटर करना है जिस पे आप कॉल्स की बाढ़ लाना चाहते हो, और ये वेबसाइट उस नंबर पे डिफरेंट फॉरेन कंट्री के नंबर से एक के बाद एक कॉल्स पे कॉल्स की लड़ी लगा देगा, और हर बार नंबर दूसरा होगा, मतलब अगला बंदा ब्लॉक भी नहीं कर सकता। जब तक आप ये बॉम्बिंग स्टॉप नहीं करोगे, तब तक कॉल्स पे कॉल्स आते रहेंगे, और इन कॉल्स को रिसीव करने पे सिर्फ IVR पे OTP सुनाई देंगे। अब देखो, अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने तक तो ये चीज़ ठीक है, पर सोच के देखो, अगर आपको इस वेबसाइट के बारे में पता नहीं होता और अगर कोई आपको इस तरह से कॉल्स करके परेशान करता, तो इसीलिए इस वेबसाइट में जाकर आपको प्रोटेक्ट योर नंबर पर क्लिक करना है, एंड अपना नाम एंड नंबर डालकर प्रोटेक्ट मी पर क्लिक करके अपने आप को इस कॉल बॉम्बिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर के साथ अपना नाम रियल मत लिखना, मे बी ये इन्फॉर्मेशन कहीं यूज हो सकती है। अब ये जो प्रोटेक्ट लिस्ट है ना, ये कभी क्लियर नहीं होती, ऐसा इस वेबसाइट के डेवलपर का कहना है। आप लोग भी अगर चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर सकते हो, बट किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी निकालने मत लग जाना, और हाँ, बाद में उसे जरूर बता देना इस वेबसाइट के बारे में, ताकि वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और ये वीडियो भी तुम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। वैसे देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, एक चीज तो है कि तुम लोग वीडियोस पे ना लाइक ठीक ठाक कर देते हो, तो अगर अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है ना, उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग कोई ऐसा ऐप ढूंढ रहे हो जिसमें आप बिना किसी एड के फ्री में नई पुरानी मूवीज, टीवी शोज या फिर वेब सीरीज स्ट्रीम या डाउनलोड करना चाहते हो, तो LR Momics आपके लिए एक परफेक्ट ऐप है। इस ऐप के प्रीवियस वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पर अब ये दोबारा से रीबिल्ट होकर नए वर्जन में अपडेट हुआ है, एंड इस ऐप से आप कोई भी मूवी, चाहे हॉलीवुड, बॉलीवुड, इवन रीजनल लैंग्वेज की मूवीज़ को स्मूथली हाई क्वालिटी में स्ट्रीम करके देख सकते हो। इवन इसमें आप हॉलीवुड मूवीज़ को हिंदी डब में भी स्ट्रीम या फिर ईजिली डाउनलोड कर पाओगे। इस ऐप की कॉन्टेंट लाइब्रेरी बहुत वाइड है, जिसमें रेगुलरली लेटेस्ट टीवी शोज एंड मूवीज सबसे पहले अपलोड होती रहती है। ये एप्लीकेशन आपको एक्सक्लूसिवली मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए तो मजा है, क्योंकि उन लोगों को इसी तरह के एक्सक्लूसिव एप्स रेगुलरली मिलते रहते हैं। एंड अगर आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। मेरे इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे सबसे पहले फॉलो कर लो, एंड उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम के बायो में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे इजीली ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहां से आप इस तरह के एक्सक्लूसिव एप्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो।
अब देखो गाइस, पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से पैसे बनाना। एंड इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी स्मार्टली देन यू आर बेसिकली वेस्टिंग योर मनी, क्योंकि महंगाई तो वैसे ही बढ़ती जा रही है। अगर कुछ घट रहा है तो वो है आपके पैसे की वैल्यू। अब देखो, इन्वेस्टमेंट के तो कई ऑप्शंस हैं, उनमें से क्रिप्टो करेंसी एक काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रिसेंटली ना क्रिप्टो स्पेस में काफी डेवलपमेंट हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोग रेगुलरली इसे अडॉप्ट करके इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। RBI भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाली है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये क्लियरली स्टेट कर दिया है कि वो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली बैन नहीं करने वाले। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। एंड गाइस, आप लोग भी ना बहुत ही सिंपली कॉइन स्विच कुबेर ऐप के थ्रू सिर्फ 100 रुपीज डिपोजिट करके अपने क्रिप्टो जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप 75 क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एंड ये इंडिया बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। मुझे ये ऐप पर्सनली इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि इसका जो UI है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड ईजी टू यूज है। जैसे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो ना, बिल्कुल उतने ही ईजिली आप इसमें क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ 11 मंथ्स में ही इस ऐप के 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपको इसमें 50 रुपए का साइन अप एंड रेफरल बोनस भी मिल जाएगा, एंड इसका जो KYC प्रोसेस है ना वो बहुत ही स्मार्ट एंड सुपर फास्ट है। मतलब बस कुछ ही मिनटों में आपका जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड इस ऐप के अंदर आप इंस्टेंट डिपॉजिट एंड इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो। काफी कमाल का एप्लीकेशन है गाइस। अगर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली कॉइन स्विच कुबेर को एक बार जरूर चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैक्रोड्रॉइड के बारे में तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, अगर ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। मैक्रोड्रॉइड इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ऑटोमेशन ऐप अवेलेबल फॉर एंड्रॉइड, एंड रिसेंटली इस ऐप में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये ऐप एंड्रॉइड गॉड बन चुका है। इस ऐप का काम क्या है ना कि आप इसमें कोई भी मतलब किसी भी तरह का एंड्रॉइड टास्क या फिर ऑपरेशन जो आप सोच सकते हो उसे ऑटोमेट यानी कि स्वचालित कर सकते हो। टास्कर के कंपैरिजन में ये ऐप बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज एंड एडवांस भी है। आपको सबसे पहले एक ट्रिगर सेट करना है। ट्रिगर बेसिकली एक इवेंट या फिर कंडीशन होगी जिस पे एक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे कैटेगरीज में ट्रिगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहां से आप कोई भी ट्रिगर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं सेंसर्स में जाके शेक डिवाइस का ये ऑप्शन चूज करता हूँ। नाउ हमें इस ट्रिगर के लिए एक एक्शन ऐड करना है, तो एक्शन में भी कई सारे एक्शंस अवेलेबल हैं। जो भी एक्शन तुम सोचोगे वो तुम्हें इसमें मिल जाएगा। ऐसे ही मतलब तुम्हें दिखाने के लिए मैं एक सिंपल एक्शन ऐड कर लेता हूं, जैसे ये टॉर्च ऑन ऑफ वाला ऑप्शन हो गया। अब इस एक्शन को यहां से ऐड करने के बाद नाउ यू कैन ऐड अ कंस्ट्रेंट। ये आपके एक्शन या फिर मैक्रो पे एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक लिमिट सेट करती है। जैसे मुझे कोई एक्शन तब रन करवाना है जब स्क्रीन ऑन हो, तो मैं यहां से स्क्रीन ऑन को सिलेक्ट कर लूंगा। ये एक मैक्रो क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं अपने डिवाइस को शेक करता हूं तो आप देख सकते हो फ्लैशलाइट टॉगल हो जाएगी, एंड क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट में स्क्रीन ऑन सिलेक्ट किया था तो जब स्क्रीन ऑफ होगी ये मैक्रो परफॉर्म नहीं होगा। इसी तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी मैक्रो क्रिएट करके अपने एंड्रॉयड फोन में एक्शंस को ऑटोमेट कर पाओगे। ये अकेला ऐप आपको लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड कर देगा, एंड अगर आप क्रिएटिवली इस ऐप का यूज करोगे तो आई एम श्योर ये ऐप तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। अब देखो, ये मेरी खुद की कहानी है। जब मैं हॉस्टल में हुआ करता था ना, तो मैं रात को करीब सोता था 2-3 बजे, और मेरा अलार्म होता था सुबह 7 या 8 बजे के बीच का, और इस 1 घंटे के अंदर ना मैं कम से कम 4-5 अलार्म सेट कर देता था। फिर भी जो मेरा अलार्म सिस्टम था वो फेल हुए जाया करता था। मतलब या तो मैं उठ के उस अलार्म को स्नूज कर देता था या फिर अलार्म क्लोज कर देता था। नींद इतनी आ रही होती है उस टाइम पे कि उठने का मन नहीं करता। अगर आप भी इस तरह के कोई जिद्दी स्लीपर हो, एंड अगर आप चाहते हो कि जो आपने अलार्म लगा रखा है उस टाइम पे आपकी नींद खुल जाए, तो चैलेंजेस अलार्म क्लॉक इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लो। इस ऐप के अंदर जैसे आप कोई अलार्म सेट करोगे तो उसके साथ आप यहाँ पे चैलेंजेस ऐड कर सकते हो। चैलेंजेस के अंदर आप यहाँ पे एक पिक्चर चैलेंज भी ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि जब भी ऐप के थ्रू जैसे अलार्म बजेगा तो आपको सबसे पहले एक पिक्चर जो भी आपने पहले से स्पेसिफाई कर रखी होगी उस पिक्चर को आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये अलार्म जो है वो क्लोज होगा। वो पिक्चर चाहे कुछ भी हो सकती है, मतलब मान लो कि आपके वॉशरूम में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है या फिर अगर आपके रूम से किसी दूसरे रूम में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसको आपको पहले से यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड सुबह उठने के बाद जब तक वो फोटो आप अपने फोन से कैप्चर नहीं करोगे तब तक ये अलार्म जो है वो बंद नहीं होगा। एटलीस्ट इससे आपकी नींद खुल जाएगी। साथ ही यहाँ पे और भी चैलेंजेस हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई मैथ प्रॉब्लम ऐड कर सकते हो, यानी कि जब तक आप उस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा। एंड इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पे आप लोगों को चैलेंजेस मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस भी ऐड कर सकते हो। तो एटलीस्ट ये जो सारे चैलेंजेस हैं इन्हें कंप्लीट करते करते आपकी जो नींद है वो खुल जाएगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, पर डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट जरूर करना अगर आप लोगों की भी नींद नहीं खुलती है एंड आपका अलार्म सिस्टम फेल हो जाता है, तो ये ऐप आपके बहुत काम आ सकता है।
फिल्टरबॉक्स एक पावरफुल नोटिफिकेशन मैनेजर टूल है जिसमें तुम्हें कई वैरायटीज की फंक्शनलिटीज मिल जाएंगी। जैसे कि इस ऐप का नाम सजेस्ट कर रहा है, इस ऐप से आप अपने हिसाब से कस्टम रूल्स सेट करके किसी भी नोटिफिकेशन को डिसमिस, म्यूट, पोस्टपोन या फिर और भी कई सारी चीजें कर सकते हो विद रिच कंडीशंस लाइक ऐप कीवर्ड या फिर टाइम। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे तुम किसी भी स्पेसिफिक ऐप के नोटिफिकेशन के लिए रूल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप से अगर मुझे कोई नोटिफिकेशन आए जिसमें कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखा हो, लेट्स से अर्जेंट, तो इस नोटिफिकेशन के लिए मैं एक एक्शन सेट कर सकता हूँ जिससे कि ये नोटिफिकेशन डिसमिस, म्यूट या पोस्टपोन हो जाएगा, या फिर मैं इस नोटिफिकेशन के लिए एक कस्टम साउंड ऐड कर सकता हूँ। आप इस ऐप से कई डिफरेंट कस्टम नोटिफिकेशन रूल्स सेट करके अपने ऐप नोटिफिकेशंस को स्मार्टली मैनेज कर पाओगे। इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने से लेकर इसको अपलोड करने तक ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, एंड सच बता रहा हूँ इसको अपलोड करते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इस पूरी वीडियो को बनाते हुए ना मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि तुम लोग इन ऐप्स एंड ट्रिक्स को देखते हुए किस तरह से रिएक्ट करोगे। तो अपने रिएक्शंस मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना गाइज, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहो गाइज। कॉमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा ऐप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपके भी कोई सजेशंस या फिर कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो डेफिनेटली उन्हें कमेंट बॉक्स में बता के जाओ, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना प्लीज़, एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम इन दोनों जगह पे मुझे फॉलो कर लो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।